महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MSEDCL ने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का अभियान शुरू किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना आपकी मर्जी के MSEDCL आप पर प्रीपेड मीटर नहीं थोप सकता। नमस्कार, मैं विशाल मुत्तेमवार। MSEDCL ने पुराने मीटरों की जगह कुछ साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए थे जो अब भी ठीक से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद MSEDCL ने 2.5 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का अभियान शुरू किया है। इसकी लागत लगभग 27,000 करोड़ रुपए है। MSEDCL का दावा है कि इस मीटर की लागत का कोई असर टैरिफ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह सच्चाई से परे है। आने वाले समय में टैरिफ को बढ़ाकर कंज्यूमर से इसकी वसूली की जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार इस कुल राशि का कुछ हिस्सा देगी, लेकिन बाकी अमाउंट के लिए MSEDCL को बड़ा लोन लेना पड़ेगा। ये सारा अतिरिक्त खर्च कंज्यूमर से ही वसूला जाएगा। MSEDCL वर्कर्स यूनियन का दावा है कि यह परियोजना की वजह से मीटर रीडिंग का काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की नौकरियां छीन ली जाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के हाथ में देने का एक बड़ा षड्यंत्र है। इससे एक सवाल उठता है कि उन करोड़ों वर्तमान मीटरों का क्या होगा जो अभी भी अच्छी कंडीशन में काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2003 के विद्युत अधिनियम के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड सेवाओं के बीच चुनाव करने का अधिकार है। कंज्यूमर्स की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना मौजूदा मीटरों को बदलना अलाउड नहीं है। आपको बता दूं कि केवल पिछले 2 सालों में बिजली बिल में 7% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा फिक्स चार्ज सालाना 10% से बढ़ गए। तो एक बात तो तय है कि आने वाले समय में आपके बिजली का बिल और बढ़ने वाला है। MSEDCL पहले से घाटे में चल रही है, तो ऐसे में क्या पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लोन लेना समझदारी है? क्या सरकार ने अपने किसी उद्योगपति मित्र को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए प्लान बनाया है? आप बस ध्यान रखें कि बिना आपकी सहमति के कोई भी MSEDCL का अधिकारी आप पर प्रीपेड मीटर लगाने का दबाव नहीं बना सकता। यह अधिकार सिर्फ आपका है। तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने हक को जानिए। धन्यवाद।